हेलो एवरीवन, आई एम आंचल पाठक एंड वेलकम टू 5 पैसा। आइए देखते हैं आज मार्केट कैसा रहेगा। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आउटलुक। निफ्टी को अराउंड 17,750 का सपोर्ट मिल रहा है, वहीं 17,900 रेजिस्टेंस का काम करेगा। बैंक निफ्टी को अराउंड 37,650 का सपोर्ट मिल रहा है, वहीं 37,925 रेजिस्टेंस का काम करेगा। आइए देखते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स ऑफ द डे। कैश डिलीवरी होल्डिंग पीरियड 1 वीक दिखा रहा है। शुरू करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज से, यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। बाय एट 2477, स्टॉप लॉस 2420, टारगेट 1 इज 2540, टारगेट 2 2625। नेक्स्ट इज एप्कोटेक्स इंड, यहाँ साइडवेज मूव टू एंड नजर आ रहा है। बाय 446, स्टॉप लॉस एट 435, टारगेट 1 इज 459 एंड टारगेट 2 इज 475। मूविंग ऑन टू टाटा मोटर्स, यहाँ ब्रेकआउट ऑन चार्ट्स नजर आ रहा है। बाय 377, स्टॉप लॉस 368, टारगेट 1387 एंड टारगेट 2405। एनसीएक्स में फर्दर बाइंग लाइटली है। बाय 1820, स्टॉप लॉस 1770, टारगेट 11874 एंड टारगेट 2 1936। लास्ट में है शोभा, यहाँ पॉजिटिव चार्ट नजर आ रहा है। बाय 885, स्टॉप लॉस 863, टारगेट 1905 एंड टारगेट 2934। आइए देखते हैं जो कॉल्स हमने आपको रेकमेंड किए हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। टाटा एलेक्सी वेंट अप 3.6% इन वन डे, टच्ड फर्स्ट टारगेट। रैडिको वेंट अप 4.3%, टच्ड बोथ टारगेट्स इन वन डे। यूफ्लेक्स वेंट अप 3.3%, टच्ड फर्स्ट टारगेट। नजारा वेंट अप 10.4% अप इन टू डेज। एमएसटी सीएलटीडी वेंट अप 6.3% इन टू डेज। विनिति वेंट अप 7%, टच्ड बोथ टारगेट्स इन टू डेज। IRCTC is 19% up in 3 days. SBI card went up 9.2%, touched both targets. आइए देखते हैं हम स्टॉकिंग न्यूज। इसमें है TCS, Great Eastern Shipping Company और मंदना रिटेल वेंचर्स। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपना सितंबर 2021 क्वार्टर अर्निंग्स आज डिक्लेयर करेगी। SBI फंड मैनेजमेंट ने ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के 8.4 लाख इक्विटी शेयर्स ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के द्वारा सेल किए हैं अक्टूबर 6 को। इस ट्रांजैक्शन के बाद SBI का शेयर होल्डिंग कंपनी में 3.48% से घटकर 2.85% हो गया है। जाने माने इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने मंदना रिटेल वेंचर्स के 8.52 लाख शेयर्स ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस के थ्रू अक्टूबर 5-7 के बीच सेल किए हैं। इस ट्रांजैक्शन के बाद उनका शेयर होल्डिंग कंपनी में 6.26% से घटकर 2.40% हो गया है। अब बात करते हैं FII और DII की। 7th अक्टूबर को एज पर प्रोविजनल डेटा अवेलेबल ऑन द NSE, FII ने रुपीज 1764.25 करोड़ के शेयर सेल किए हैं, जबकि DII ने रुपीज 2528.64 करोड़ के इंडियन इक्विटी मार्केट में शेयर बाय किए हैं। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशंस।